हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक ग्रिल में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, सारथी लिखना है। जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र पे सारथी सर्च करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप इस वाले पे कर लीजिए, parivahan.gov.in। ऑनलाइन सर्विस पे जाने पे के बाद आपको आना है सेकंड ऑप्शन पे, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद जल्दी मैं ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने का वीडियो भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको सेकंड ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस में चले जाना है, लर्निंग लाइसेंस में फर्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस, इस पे चले जाना है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और आपको अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, न्यू फ्रेश हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर हो चुका है, या कुछ आपको दोबारा से क्रिएट करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको पास लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तब आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम फ्रेश एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा आएगा सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है और वो किसी मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप इस वाले स्टेप से जाकर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद है कि सारे लोगों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसी ऑप्शन से जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा और एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उसे आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो चलिए सबसे पहले आधार नंबर भर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे फोटो और आपका आधार में जितना भी डिटेल है, वो सारा का सारा यहाँ फेच होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये आपका किस आरटीओ ऑफिस में पड़ेगा, वो आपका फेच होकर आ जाएगा, बता देगा। जिसे आप ओके कर लें। उसके बाद आपको एक एक करके सारा डिटेल वेरीफाई करके अच्छे से भरना है। यहाँ पे आधा से ज़्यादा आपका फिल हुआ रहेगा पहले से, यहाँ पे आप अपने क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो भी आपको अपने मोबाइल नंबर लिंक कराना है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी भी दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपको अपना पता है, तो आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ दे दीजिए। उसके बाद आपको एक अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना होगा। तो अगर आपके पास कोई अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, तो वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है।
उसके बाद आपको अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है, इन केस आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपको एक अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है जिससे उस नंबर पे आपको कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एड्रेस पहले से फिल होके आ गया रहेगा, और परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेम रखना चाहे तो सेम भी रख सकते हैं। फिर आपको तहसील सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो तहसील में आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही उसे आप फिल कर देंगे तो आपको नीचे आ जाना है। फिर सबसे मेन आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है कि आपको किस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, लाइक विथ गियर, विदाउट गियर, लोकोमोटिव या केवल टू व्हीलर। तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मोटर कार विदाउट गियर, जिस भी गाड़ी को आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर उसे एरो पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे वो सिलेक्टेड व्हीकल आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट करना है लोकोमोटिव व्हीकल लाइक फोर व्हीलर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे वापस यहाँ से देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है जो आप नहीं चाहते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे उसे दोबारा सेलेक्ट कर लें और इस नीचे वाले एरो पे क्लिक कर दें, वो वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहीं से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो यहाँ हाँ पे हम लोग इस वाले को करके आगे बढ़ते हैं। इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए कि अगर आप कोई भी इज एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस, अगर नहीं है तो इसे रहने दीजिए। इसे आप नो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट के बाद ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते तो इसे नो कर दीजिए। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट एबव आर ट्रू। इसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसे आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा जिस पे आपको फिल करना होगा, लाइक डू यू सफर फ्रॉम एपिलेप्सी, तो यहाँ पे आप नो कर दें। सेकंड वाले ऑप्शन में आपको यस करना है, फिर आपको बाकी सारे ऑप्शन नो नो कर देने हैं। आप यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं कि आपको किसी भी तरह की बीमारी है या कुछ ऐसा, तो आपको सारे में नो कर देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा वाला आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आई, मतलब आप दोनों आँख से अच्छे से तरह से देख सकते हैं, तो आप इसे यस कर दें, बाकी सारे ऑप्शन को नो कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, ये आप सबमिट कर दें इसे या ओके कर दें। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस वाला सबमिट हो चुका है। आप फिर से बैक आके यहाँ पे एक बार आप फिर से आप वेरीफाई कर ले कि सारा डिटेल जो आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेरीफाई करने के बाद इसे फाइनल सबमिट पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसे आप यहाँ पे सबमिट का क्लिक कर दें, ओके क्रिएट कर दें। यहाँ पे भी ये आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, इसे भी सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप ओके कर दिए। ये ऐसा देखेंगे कि आप जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाएगा जिसमें आपका पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस मोटर कार विथ विदाउट गियर। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर वो पहले से आ जाएगा, यहाँ पर कैप्चा देकर आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए फटाफट कैप्चा हम लोग भर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो चलिए फटाफट हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको केवल दो चीज़ें लगानी होंगी, 10th का मार्कशीट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेगा, और आधार कार्ड जिससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। इन केस अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप केवल आधार कार्ड से भी दोनों लगाकर दोनों वेरीफाई करवा सकते हैं। आई डिक्लेयर दैट एवर प्रोवाइड ट्रू, इसे आप चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें और यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर दें।
यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप एज प्रूफ सेलेक्ट कर लें। एज प्रूफ में आप यहाँ पे अपना कोई सा भी, या तो 10th का मार्कशीट या आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको अपना जो आधार कार्ड है उस पर आपको अपने हैंड से साइन कर तभी स्कैन कर उसे अपलोड करना है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। इशूड बाई में अगर आप आधार दे रहे हैं तो आप UIDAI कर सकते हैं, UIDAI। उसके बाद कब इशू हुआ है आपको अगर अपडेट पता है तो आप मैंसेज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे उस अटैचमेंट को अटैच करना है। फाइल अपलोड करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इट इज़ कंपल्सरी टू अपलोड ऑन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आपको डॉक्यूमेंट पे साइन कर स्कैन कर तभी अपलोड करना है, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर देगा, आपको फिर से यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉट अपलोडिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिवर्ट एट स्क्रूटनी लेवल, क्लिक ओके बटन टू कन्फर्म। तो यहाँ पर आप वही कर ही अपलोड करें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे एज और एड्रेस दोनों प्रूफ, आपने आधार कार्ड दे दिया है वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली, अगर साइन है आपका तो वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे प्रेस करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से कैप्चा आएगा, तो आप कैप्चा फिल कर दें। सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हम लोग का अपलोड हो चुका है, कम्प्लीटली लिख दिया। अब आता है आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो चलिए फटाफट हम लोग सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड कर लेते हैं। उसके लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ से आप अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, उसे आप अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके सिग्नेचर अपना अपलोड कर दीजिए और फिर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप जब देख लेंगे कि हाँ आपका सही सेव हो चुका है, साइज एक बार देख लीजिएगा, 20 KB से नीचे होना चाहिए सिग्नेचर का, और उसका उससे इमेज का भी देख लीजिएगा। जैसे ही सबमिट हो जाए उसके बाद आप सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिफोर सबमिटिंग द इंश्योर दैट करेक्ट रिसेंट फोटो इज अपलोडेड बिकॉज द सेम विल बी रिप्रिंटेड ऑन योर एलएल एंड डीएल, देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट और एडिटिंग द फोटो ऑलरेडी अपलोडेड बाय यू, हेंस इंश्योर करेक्ट एंड रिसेंट फोटो इज अपलोडेड। यहाँ पर आप ओके का क्लिक कर दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, यही आपके LL और DL पे प्रिंट होकर आएगा। सेव फोटो एंड इमेजेस फाइल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर से आपको कैप्चा के लिए आएगा, फिर आप कैप्चा यहाँ फिल कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अगला स्टेप दिखेगा कि आपने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, आपका पहले एप्लीकेशन डिटेल फिल हो चुका है, अब आपको केवल फीस पेमेंट करना है। तो आप चलते हैं, हम लोग फ्री प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग RTO जोन में अलग अलग फीस देखने को लिए मिल सकता है, थोड़े बहुत वेरी करेगा बट बेसिकली लगभग सब जगह सेम ही रहता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि 150 रुपीज़ हमें न्यू लर्निंग लाइसेंस का लग रहा है और LL टेस्ट का 50 रुपीज़ लग रहा है, तो यहाँ 200 टोटल लग रहा है। ये मैं आपको बता दूँ कि आपके RTO ऑफिस के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, कहीं 300 भी लग सकते हैं, तो इस पर आप परेशान ना हो कि अमाउंट डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये RTO पे डिपेंड करता है। तो देखिए मेरे
आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस का 200 लग रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और ये अपना ट्रांजेक्शन डिटेल करके इसे पेमेंट कर सकते हैं आप। जैसे ही आप वहाँ पे डिटेल फिल करके करेंगे आप प्रोसीड, तो आपके पास कुछ ऐसा तरह का खुलकर आएगा, आई एग्री करके प्रोसीड टू फी पेमेंट कर सकते हैं आप। फिर आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको किसी इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। SBI नेट बैंकिंग से अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी बैंक चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। SBI डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो भी आपको कोई बैंक चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप मोस्ट प्रोबेबली डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई चार्जेस ना देने पड़े। अगर अदर बैंक के कोई नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी बैंक का डेबिट कार्ड ही यूज़ कर लें, या फिर नेट बैंकिंग अगर SBI का है तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड कर कर आप कोई सा भी ऑप्शन पेमेंट को सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, इसे आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का आपका आ जाएगा कि आपने कितना पेमेंट किया है, इसे आप चाहे तो प्रिंट कर कर रख सकते हैं। फिर आप होम पे चले जाइए। अब अगर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे चले जाइए। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर, यहाँ पे कैप्चा फिल करके आप अपना यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस, अपलोड डॉक्यूमेंट को ये भी हो चुका है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, फीस भी पेमेंट हो चुका है। आपको किसी भी तरीके का LL स्लॉट बुक नहीं करना है, इस वजह से यहाँ एग्जेम्प्टेड लिखा है और आपके सारे सक्सेसफुल ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद आपको एक SMS आएगा, इस SMS में ये लिखा होगा कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपका घर बैठे लर्निंग लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, या फिर आप अपना इस एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछें, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। और जैसे ही लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको DL अप्लाई करने का भी स्टेप बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।